हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन लर्निंग ट्यूटोरियल। मैं हूं नीनू गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से जुड़े प्रश्न उत्तर देखेंगे। दोस्तों, पर्यावरण प्रश्न उत्तरी का एक और वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपकी पर्यावरण की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। दूसरा, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%। जीवों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जीवों में श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? 0.03%। औद्योगिक क्रांति के बाद से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का अवशोषण करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। किन गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन व नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की सापेक्षिक भूमिका क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है 60%, फिर मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6% जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? ये क्वेश्चन लगभग हर पर्यावरण से जुड़े एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी आप देख सकते हैं 60% जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे और वहाँ से बर्फ पिघल करके समुद्रों में आ जाएंगी, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और आसपास के एरियाज जलमग्न हो जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जलवायु परिवर्तन होता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कभी कभी जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है? ग्रीन हाउस गैसों की। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये सारी जो गैसें हैं ये वायु प्रदूषण क्रिएट करती हैं। दम घोटू गैस किस गैस को कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है और ये हीमोग्लोबिन से तेज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन का परिवहन करने लगता है, इसलिए इसको दम घोटू गैस कहते हैं। पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट पैन क्या है? वायु प्रदूषक, ये एक वायु प्रदूषक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है पैन क्या है, तो पैन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पर ऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट है जो एक वायु प्रदूषक होता है। वायुमंडल में किन गैसों के प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो जो मेन गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। स्टोन कैंसर किसके कारण होता है? तो स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। ताजमहल के पीछे पीले पड़ने व उसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीला पड़ता जा रहा है, उसकी खूबसूरती कम होती जा रही है। धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जित होता है?
तो ये मीथेन होता है जो दलदली जगहों पे उत्सर्जित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दलदली जगहों पे उत्सर्जित होने की वजह से इसको मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, मतलब कि किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, और ये ज़्यादातर परिवहन से उत्सर्जित होता है, 76%। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों को शामिल किया जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन, ये मिल करके प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनाते हैं। इटाई टाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई टाई रोग कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। भारत में सीसा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के चार महानगरों में कब शुरू किया गया था? तो 1995 में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कब से BS4 मानक के स्थान पर सीधे BS6 मानक लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो व्हीकल्स का मानक है BS4, उसकी जगह सीधे BS6 मानक लागू करने का निर्णय लिया है मोदी सरकार ने, जो कि 2020 से लागू होगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, 12 से 35 किलोमीटर में, समताप मंडल के निचले भाग में 12 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? तो ये परावैगनी कीड़े यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है, और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, यूवी रेज, ये 3 टाइप की होती हैं, ए बी और सी, जिसमें से यूवी बी जो है, अल्ट्रावायलेट बी जो रेज है, उसको वो जीवन के लिए बहुत ही घातक होती है, और उसी को ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अक्सर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किस प्रकार के अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करती है, तो वो बी है। परावैगनी कीड़ों के कारण कौन सा रोग होता है? परावैगनी कीड़े अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो ये कौन सा रोग उत्पन्न करती हैं? त्वचा कैंसर। ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापते हैं? डाप्सन इकाई। किस गैस के कारण ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्या स्रोत हैं? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर व एरोसॉल स्प्रे की जो गैसें हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुख्य स्रोत हैं। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ देखा गया है? तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से के उत्सर्जन को कम करने से। ध्वनि की तीव्रता का मापन इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का मापन इकाई डेसिबल है। सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में निर्धारित ध्वनि की तीव्रता का स्तर कितना है? तो 75 डेसिबल। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में मानक ध्वनि की तीव्रता दिन में 55 डेसिबल है। ठीक है, किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाती है? तो 90 डेसिबल तक की ध्वनि सुनने में कष्टदायक होती है, और ये हमारे श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन तथा रात्रि में कितना नियत किया गया है? तो ये दिन में 45 डेसिबल तथा रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। ध्वनि के आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो ये हर्ट्ज होता है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या था? डेसिबल, जबकि ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। मानव की श्रव्य परास कितना है? यानी मनुष्य 20 से 20 हजार तक, 20 से 20 हजार हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है।
20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसको पराश्रव्य ध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज तथा किस में सबसे धीमा होता है? तो ध्वनि का संचरण ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे धीमा होता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग से। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। दूसरे जल पीने के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं? तो टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये दूषित जल के कारण होती हैं। किससे प्रदूषित मछलियां खाने से मिनीमाता रोग होता है? तो मरकरी यानी पारे से प्रदूषित मछलियां खाने से मिनीमाता रोग होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जल प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ग्रीन मफलर ये वृक्षारोपण कर ध्वनि को प्रदूषण को कम करने की तकनीकी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।